A large open tank has two holes in its wall. One is a square of side A at depth x from the top, and other a circular hole radius r, depth 4x from the top. The tank is completely filled with water. The quantities of water flowing outward second from both holes are same. Then r is equals to. तो आपके पास ना ये क्वेश्चन है, ऊपर से x साइड पे स्क्वायर होल है जिसकी साइड a है, और यहाँ सर्कुलर होल है जिसकी जो रेडियस है वो r है, ये इसकी डेप्थ 4x है. तो क्वेश्चन बोल रहे कि इसमें जो रेट फ्लो है ना q, वो दोनों का सेम है. तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है r इज इक्वल्स टू, तो r कितना होगा. तो q हमको दोनों का सेम दिया हुआ, q मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी. तो a1 v1 इक्वल्स टू ए टू वी टू, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इसके लिए बराबर. एरिया एरिया निकाल लो ना, एरिया इसका एरिया स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है. वेलोसिटी रूट टू जी एक्स एस है कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है ना, रूट टू जी एक्स ऊपर से देखते हैं, ध्यान रखना. और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी आपकी ये, इधर एक बार एरो लगा लूँ, ये हो गई यहाँ पे वेलोसिटी. ठीक, इसको वी वन और इसको मान लें वी टू. चलो ए स्क्वायर ए वन वी वन ए टू, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, वी टू रूट एट जी एक्स, रूट टू जी एक्स वाला फॉर्मूला लगा. अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एट को टू इंटू फोर, है ना, एट की जगह क्या लिख सकते हैं, टू इंटू फोर. तो रूट फोर, ये जो फोर है रूट फोर, ये तो बाहर चला जाएगा तो टू आ जाएगा, अंदर रूट टू रह गया. इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, रूट टू जी एक्स हटा दिया, राइट. इधर बचेगा ए स्क्वायर बराबर टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आर आ जाएगा ए बाय रूट टू पाई.